नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं मक्के के पराठे और सरसों का साग, जो सर्दियों में बहुत ही स्पेशल बनाए जाते हैं सभी के घरों में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो गट्टे सरसों की साग के लिए हैं और पालक लिया है एक गट्ठा। सबसे पहले हम पालक को छाँट लेंगे, उनके बारी बारी डंठलों को हम हटाएंगे नहीं। और जो सरसों के जो डंठल होते हैं बहुत कड़क होते हैं, इसलिए इनको हम बारीक काट के इनको बॉईल करेंगे, क्योंकि इनके रेशे बहुत आते हैं सब्जी में। उनको हम अच्छे से धो लेंगे दो तीन बार पानी में, और कुकर में डाल के इनको हम बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको ढक के हम बॉईल करना है हाई फ्लेम पे। इसमें हमें सीटी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और जब तक ये बॉईल हो रहा है, इसके लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, तीन प्याज ले ली है, और इसमें लहसुन ज़रा ज़्यादा डलता है तो अच्छा स्वाद आता है सब्जी में। तो यहाँ पर मैंने एक गठान पूरी लहसुन की डाल दी है। तो ये लीजिए, हमारी ग्रेवी भी तैयार है और यहाँ पर हमारी भाजी भी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और भाजी को हम किसी प्लेट में फैला के ठंडा कर लेंगे। और अब यहाँ हमारी भाजी ठंडी हो चुकी है, इनको हमें पीस लेना है। ये देखिए पीस चुकी है। अब एक कढ़ाई में हमें सरसों का तेल गरम कर लेना है अच्छे से। अगर सरसों की भाजी सरसों के तेल में बनाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इधर हमने राई डाल दी है सरसों के तेल में, अच्छे से तड़कने देंगे। जीरे डाल देंगे और अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अभी इस मौसम में ये बहुत मिल रही है बाज़ार में, इसलिए इसमें हम प्याज की जगह इसका यूज़ कर रहे हैं। और आपके पास ना हो तो प्याज डाल दें। और हरी मिर्च डाल देंगे इसमें हम, और हल्का ब्राउन होने तक इनको हमें भून लेना है प्याज को। तो यहाँ प्याज भी अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसमें मसाले डालेंगे हम, इसमें हम हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। अब हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से तेल ना छूटने लग जाए। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और हल्का हल्का तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें भाजी मिला देंगे जो हमने पीस के रखी थी सरसों की भाजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी सब्जी, गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से रखिए। और अब हम सब्जी को धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जी भी अब रेडी हो चुकी है। तो ये लीजिए हमारी सरसों की भाजी रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हम मक्के के पराठे बनाएंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना करना है बस। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और 1 छोटी कटोरी बेसन लेंगे हम, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो पानी गुनगुना करके रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका आटा मारना है हमें। आटा एकदम मुलायम होना चाहिए। तो यहाँ आटा तैयार है, थोड़ी देर के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद हम आटे का परथन लेंगे, किसी भी आटे का परथन ले लें आप, गेहूं के आटे का या मक्के के आटे का। इस तरीके से लोई बना के और हाथों में आटा लगा के और रोटी को इस तरीके से फैलाना है दोनों हाथों से थपथपाते हुए। अगर फट भी रही तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बाद में किसी कटोरे से इसको गोल शेप में काट सकते हैं, एकदम सर्कल शेप अगर आपको चाहिए तो। और बस हम गर्म तवे पे इसको, तवे पे भी इस तरीके से हम फैला सकते हैं और दोनों साइड हम सेक लेंगे अच्छे से। अब चाहे आप इसको बटर से सेकें या तेल में सेकें, सरसों के तेल में सेकें, ये आपकी चॉइस है। और पराठे चाहे ज्वार के आटे के हों या मक्के के हों या बाजरे के हों, थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ देखिए हमारे गर्मा गर्म मक्के के पराठे तैयार हो चुके हैं और ये हमारी थाली भी कंप्लीट हो चुकी है।